तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक्चुअली क्या था कि मेरा एक ये फ़ैन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था इधर वाला, ये देख सकते हो आप यहाँ कितनी गंदगी और ये सब है। तो क्या हुआ कि मैं इसकी क्लीनिंग करने के लिए मैंने इसे खोला, ऐसे देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं मतलब कि लाइक इसको थोड़ा सा सफाई वफाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें, एक मिनट में थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा ना ये कार्बन सा जमा हुआ है, जिसके वजह से ये जो एरिया है यहाँ अंदर, ये अंदर पूरी गंदगी और वो थी, तो थोड़ी सी मैंने साफ़ कर दी है। लेकिन हम इसको और पूरा सा थोड़ा सा साफ़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने टूल यूज़ करे हैं, लाइक एक मैंने ये थोड़ा सा कपड़ा लिया है, उसके बाद मेरी चिमटी है और क्या बोलते हैं इसे, एक ये अपना वो है, क्या बोलते हैं इसे, मशीन का तेल, ठीक है। तो ये है और ब्रश है, इसको खोल लिया था, अभी पैक करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा खोलते कैसे हैं, वो डीअसम्बलिंग असम्बली। तो इसको थोड़ा सा ना अपने लोग क्लीनिंग कर लेते हैं। इधर मैंने ये सब क्लीनिंग कर ली थी, तो इधर भी अपने लोग क्लीनिंग कर लेते हैं। और ये एरिया मेरा रह गया था, थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा के अपने लोग यहाँ ये क्लीनिंग कर लेंगे। एक्चुअली ये ख़राब नहीं हुआ है, ये चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड चल रहा है। तो आप जानते ही हो, अगर हार्ड चलेगा तो फिर वो चीज़ मतलब उस तरह से कार्ड को मतलब ये क्लीनिंग नहीं देगा। काफ़ी दिनों से सर्विस मेंटेनेंस नहीं किया था मैंने इस कार्ड का, लेकिन गाइस ये बहुत केयरफुली करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर वो होता है, एक छोटी जो कॉपर वायर है, ये काफ़ी मतलब इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, यू नो, बहुत थिक होती है ये। तो हमें बिल्कुल केयरफुली इसको ना क्लीन करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ना, यहीं से थोड़ा सा लगता है कि ये गड़बड़ रहेगा, तो इसके थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल देते हैं। अभी ये पूरा क्लीन हो गया है और इसके शाफ्ट को कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही है, नहीं। इसको ऐसे करके हम लोग, ये यस कट करके आवाज़ आई ना ये, एक तो ये अभी फिट हो गया है, यस। अब ये देखो इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी अभी एक जैसी हो गई है। ये मतलब देखो जा रहा है ना, तो ये बैक आ रहा है, एक बार जब रुक रहा है तो एक बार ये बैक आ रहा है। अभी ये पहले क्या था, ये ऐसा घूम भी नहीं रहा था, अब ये भी बैक आ रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसको रमा करने के लिए, रमा इन द सेंस कि अपने लोग बोलते हैं ना, तो वो चीज़ हम कर लेते हैं। इसको ना थोड़ा सा घुमा लेते हैं, ये मेरा एयर ब्लोअर है। एक मिनट, ये ऑयल गिर जाएगा यार,
अब इनको पहले साइड कर लेते हैं और फिर इसको चिमटी से पकड़ते हैं। मियो तू चले जा, बता रहा हूँ मैं तुझे यहाँ पे। ये मेरी बिल्ली आ गई यार, मियाओ क्वाइन। देखो ये रुकेगा ना तो ये कैसे करेगा, वही देखना है मुझे। यस, तो अभी इसकी सर्विसिंग बढ़िया करके हो गई है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, ये काफ़ी अच्छा चल जाएगा जब तक इसमें धूल वगैरह भी मेंटेनेंस ना करता रहूँ। ठीक है, तो अभी क्या है कि थोड़ा सा यार क्लीनिंग इसको भी कर लेते हैं। ये मेरी बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, इसको संभालने पड़ेंगे, है ना। ये बहुत ज़्यादा गंदगी है भाई, बहुत ज़्यादा धूल हो गई है इनमें, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग केयरफुली मतलब सफाई कर लेना भाई लोगों, आप अपने कार्ड की जैसे भी सफाई करते हो। एक काम करते हैं, इनको भी खोल लेते हैं और इनको भी साफ़ कर देते हैं। जब खुला ही है तो पूरा ही खोल लेते हैं, और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखा दूंगा आपको, क्योंकि क्या है ना बस इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है यार, मैं कभी कहता नहीं हूँ पर आज मैं कह रहा हूँ, बहुत कम कहता हूँ, बहुत ही रेयर वीडियो में मेरे होता है यार। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर लिया करो यार मेरे चैनल को, और कुछ नहीं कम से कम मोटिवेशन तो मेरा बढ़ेगा, है ना। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब किया करो, देख आप सिर्फ वीडियो देख लेते हो और ठीक है, लाइक भी अच्छी बात है लेकिन सब्सक्राइब से कम मेरे को ये रहेगा कि हाँ चल यार मेरे चैनल को लोग बाग पसंद कर रहे हैं तो यार चल और वीडियो डालते हैं, है ना। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं और वीडियो कैसे डालूँगा। तो अभी ये खुल गए हैं, इसका प्लग आउट कर देते हैं इसे यहाँ से। बहुत आराम से करना है, दबा के इन द सेंस होता है ना, दबे पाँव वाला टाइप का, उस टाइप से। फैन पूरा कर दिया है साइड, और ये देखो ये, और गाइस ये देख रहे हो आप, पूरा हाथ काले पीले सब हो गए हैं। ये देखो ये कंडीशन है, तो ये ऐसे ही चल रहा था और ये गलत बात है मेरी रियली में, कि मैं इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। अब मैं, आप कहोगे तो मैं सारी कार्डों को, सारे कार्डों के मतलब लाइक ये असूस है GTX, अभी मैं इसके बाद एक 2060 Ti है उसको करूँगा, उसके भी दो फैन मेरे गड़बड़ चल रहे हैं, तो उसका भी वीडियो मैं आज डालूँगा, चाहे कोई देखे या ना देखे बट मैं डालूँगा। ठीक है, तो पहले इनको सफाई बाद में करेंगे, पहले एक बार यार इसकी सफाई कर लेते हैं। ये जो है ना बहुत भयंकर हो रखी है कंडीशन, ओ माय गॉड, डस्ट देख रहे हो कैसे उड़ रहा है, ओ भाई पता नहीं आप कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा।
बाद यहाँ पे इसके ये कनेक्शन है, ये लगेगा, ये है ना, लगेगा ऐसे बस। तो ये हो गया गाइस अपने कार्ड की सफाई, मेंटेनेंस, सब कुछ। अब हम इसको चला के देखते हैं और फिर आपको शो करता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो गाइस, ये बढ़िया करके चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा हाथ पार के लिए इसमें देख लेता हूँ। ये भाई साहब, ये तो कुछ ज़्यादा ही गजब चल रहा है। ओहो, काफ़ी अच्छा स्पीड है, एकदम बढ़िया दे रहा है। तो ये परफेक्टली अभी काम करने लगते हैं। तो थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए, और मैं फिर से कहूँगा यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को भी। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा 2680 Ti का यही सब रिपेयरिंग, और उसमें आपको मैं कम्प्लीटली दिखाऊंगा कि कैसे करना है, कैसे खोलेंगे, कैसे रिसेट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, बाय।